फ्रंट के बालों से स्किन का नजर आना, मांग चौड़ी हो जाना, सर में बाल्डनेस के पैचेस बन जाना और शदीद किस्म का हेयर फॉल जो किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर इस तरह प्याज को आप इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो हर किस्म की सीरियस प्रॉब्लम दिनों में जाती हुई आपको नजर आएगी। प्याज एक वाही चीज है जो बालों को दोबारा उगने में 100% कारगर साबित हुआ है, लेकिन अगर इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, अगर इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फायदे के बदले नुकसान भी हो सकता है। तो पहले ठीक से देखिएगा, समझिएगा और फिर इसका इस्तेमाल स्टार्ट कीजिएगा। इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए होंगे 3 से 4 प्याज। इस तरह प्याज का कलर होना चाहिए बहुत ज्यादा डार्क पर्पल, प्याज भी आपके बालों को खराब कर देता है। तो प्याज का इंतखाब ठीक से कीजिएगा, रेमेडी आपकी परफेक्ट बनेगी और परफेक्ट इसके रिजल्ट्स भी आएंगे। तो आपने प्याज को धो लेना है, धोने के बाद इसे बारीक चॉप कर लेना है। साइज मैटर नहीं करता, बस आपने छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर लेना है। अच्छा, अब इस कट किए हुए प्याज को ब्लेंडर में डाल लीजिए और साथ में डाल लीजिए आप 3 से 4 चम्मच किसी भी ऑयल के। आप यहाँ पे बता दूं, आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऑयल इस्तेमाल करें, ठीक है। कोकोनट बेस्ट है अगर आपको सूट करता है। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद देखेंगे कि हमारी जबरदस्ती प्याज की पेस्ट रेडी हो गई है। अब इस पेस्ट को पैन में डाल लीजिए। अब आपने इस पेस्ट को बिल्कुल लो फ्लेम पर, इस लाइक ना होने के बराबर फ्लेम पर रखना है। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप कोकोनट ऑयल। यहाँ पे भी मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस दूंगी, आप यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोकोनट या ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो ऑयल डालने के बाद हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है और आपने इसे ज्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल ज्यादा गोल्डन ब्राउन या डार्क ब्राउन या ब्लैक नहीं करना ऑनियन को, वरना जो है जो भी फायदे प्याज के होंगे वो जल जाएंगे, कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि आपके बालों को उल्टा नुकसान होगा, शदीद किस्म का हेयर फॉल भी स्टार्ट हो सकता है। तो आपने बराबर चम्मच को हिलाते रहना है और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन इज लाइक इस कलर का जब प्याज का कलर होना, आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद स्ट्रेनर से छान लेना है। इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्याज के इसी ऑयल में अभी शामिल है। अब आपने इस रेमेडी को, इस तैयार ऑयल को अपने बालों की ग्रोथ के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये भी गौर से समझ लीजिए। जब भी आपने अपने बालों में इसे यूज करना है, लगाना है, पहले अच्छे से बालों को धोना है, फिर कम्प्लीटली ड्राई करना है, साफ बालों में आपने इस ऑयल का इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। लगाने से पहले ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है, डबल बॉयलर में कर सकते हैं या आप इसे डायरेक्ट हीट पर भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना कि आप बर्दाश्त कर सकें। बालों की रूट्स में लगाना है, 5 मिनट तक मसाज करना है, नेल्स के साथ मसाज करना है और किसी भी प्लास्टिक बैग से अपने हेड को, सर को, बालों को कवर कर लेना है पूरे 1 घंटे के लिए। अगर मजीद इस ऑयल को बेनिफिशियल बनाना चाहते हैं तो सारी रात अपने बालों में इसे लगा रहने दीजिए और सुबह को वॉश कीजिए। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि बॉयज़ में भी आजकल बाल्डनेस और हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम है। 15 दिन में आपको वाजे नजर आएगा कि आपके बालों की रीग्रोथ हो रही है, बेबी हेयर्स नजर आना आपको स्टार्ट हो जाएंगे, गारंटी से कहती हूँ। तो जल्दी से अभी जाइए किचन में और अपना ऑयल खुद बनाइए। वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।